तो हाय एवरीवन वेलकम बैक टू योर फेवरेट बायोलॉजी चैनल कॉल्ड ओजोन क्लासेस माय नेम इज विपिन कुमार शर्मा एंड आई एम योर बायोलॉजी मेंटोर आज के इस सेशन के अंदर जो कि थोड़ा सा लंबा होने वाला है हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर इन अ टिपिकल प्लांट इन अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट बेसिकली दैट इज द फ्लावर इट हम फ्लावर के पार्ट्स को समझेंगे और फ्लावर के पार्ट्स किस तरीके से फ्लावर के ऊपर अरेंज होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे एक बार जब हम फ्लावर को ठीक तरीके से समझ लेते हैं तभी हम फैमिलीज की तरफ बढ़ सकते हैं बिकॉज वहां पर हमें फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम को भी समझना है लेकिन उससे पहले इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट इसीलिए आज हम पहले फ्लावर को जानेंगे और उसके बाद हम बाकी सारे एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे और स्टूडेंट्स के कमेंट्स में डेली बेसिस पे देखता रहता हूं आप लोगों की डिमांड है कि मैं दिन में दो वीडियोस बनाऊ एक्चुअली बहुत कम स्पेसिंग हो रही है लेक्चर्स के बीच में क्योंकि दिन के तीन लेक्चर्स जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप चाहोगे तो मैं दिन के दो लेक्चर्स बना दूंगा दैट्स टोटली फाइन फॉर मी सो मंडे से हम लोग दो लेक्चर्स लाना स्टार्ट कर सकते हैं और अगर आप बोलें कि वीकेंड पे या संडे को हम लोग एक पूरा बायोलॉजी का चैप्टर करें मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में पांच छह वीडियो सिर्फ बायोलॉजी की ही आ जाए तो हम छुट्टी लेने की बजाय या फिर गैप रखने की बजाय एक चैप्टर को भी कर सकते हैं दैट इज टोटली योर कॉल आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा चर्चा करते हैं फ्लावर की और एक फ्लावर को बनाकर देख लेते हैं कि कैसा उसका अरेंजमेंट होता है तो सबसे पहले फ्लावर में आपको देखने को मिलेगी एक डंडी नीचे राइट? ये जो डंडी है इसे हम क्या कहते हैं? ये जो डंडी है मेरे दोस्त इसे हम कहते हैं स्टॉक है ना इसे हम कहते हैं स्टॉक या फिर हम इसे कहते हैं पेडिसल ये जो स्टॉक और पेडिसल है इसके ऊपर का थोड़ा सा मोडिफाइड इलाका जो रहता है ऊपर का थोड़ा सा सोलन इलाका जो रहता है जिसपे सारे प्लांट पार्ट या फ्लावर पार्ट अटैच होते हैं इस इलाके को हम लोग कहते हैं थैलेमस, ठीक है? इस इलाके को हम लोग कहते हैं थैलेमस या प्यार से इस पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग रिसेप्टिकल भी कह सकते हैं रिसेप्टल भी कह सकते हैं तो सबसे नीचे वाली जो डंडी है इसे हमने स्टॉक बोला है ना थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं यहां पर ये जो सबसे नीचे वाली डंडी है इसको हमने क्या बोला स्टॉक बोल दिया और इसके ऊपर जो थोड़ा सा स्वलन पार्ट है इसको हमने क्या बोल दिया बोल दिया अब इस के ऊपर सारे के सारे पार्ट्स प्रेजेंट होंगे एक फ्लावर के तो एक फ्लावर में पार्ट आपको देखने को क्या क्या मिलते हैं सबसे पहले कुछ हरी हरी पत्तियां होंगी सबसे आउटर एंड पे इन हरी हरी पत्तियों को हम यहां पर बना लेते हैं इन हरी हरी पत्तियों को हमने यहां पर बना लिया और इन पत्तियों को हम बोलेंगे क्या इन पत्तियों को हम लोग बोलेंगे सेपल्स बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सेपल्स पेटल्स पेटल्स है ना पेटल्स मतलब कलरफुल पंखुड़ियां और सेपल्स का मतलब आपकी हरी हरी पत्तियां और राइट सैपल को प्यार से क्या कहा जाता है कैलिक्स कैलिक्स भी भी कहा जाता है इसे भी कहते हैं तो सेपल या कैलिक्स इसका नाम हो जाएगा इसके बाद इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको कलरफुल पंखुड़ियां दिखाई देंगी यानी जो हम पसंद करते हैं एक टिपिकल फ्लावर में वो पंखुड़ियां यहां पर हमें देखने को मिल जाएंगी राइट right? ये जो कलरफुल हैं इनको हम क्या बोलते हैं इनको हम लोग बोलते हैं पेटल्स इनको हम लोग बोलते तो कैलिक्स और पेटल्स को रिस्पेक्टिवली। अब अगर हम यहां पर फीमेल पार्ट की कोशिश करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका सेंटर पे पाया जाएगा उसके तीन आपके मेजर कॉम्पोन आपको पता है स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी तो ये सबसे नीचे वाला जो बल्ज पार्ट है ये आपका ओवरी है फिर आपकी लंबी सी स्टॉक दैट इज आपका स्टाइल और ऐसा पार्ट जहां पे आपका पॉलन आकर के गिरता है दैट इज स्टिग्मा ये स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी मिल करके टोटल जो एक चीज बनाता है इसे हम क्या कहते हैं पिस्टिल या कार्पल पिस्टिल या कार्पल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है एक पर्टिकुलर फ्लावर का वहां पर मैंने फीमेल का सिंबल बना दिया है एक पर्टिकुलर फ्लावर के अंदर जितने भी पिस्टल्स या कार्पल्स होंगे सब मिल करके क्या बनाएंगे गाइनोशियम गाइनोशियम इज अ वर्ड यूज फॉर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जितने भी पिस्टल या कार्पल हैं सारे मिलकर गायनोशियम बनाएंगे अदर देन दैट आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होगा वो आपको पता है उसमें दो चीजें रहती हैं एंथर एंड फिलामेंट और ये बहुत सारे रहते हैं नंबर में लेट्स से आपका एंथर है ये आपका फिलामेंट है यह आपका एंथर यह आपका फिलामेंट यह आपका एंथर यह आपका फिलामेंट यह आपका एंथर यह फिलामेंट यह आपका एंथर यह फिलामेंट यह आपका एंथर यह फिलामेंट रेफरेंस के लिए हमने छह बना, बना दिया आप सात बना सकते हो दस बना सकते हो सिर्फ हमें डायग्राम समझना है राइट तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यह एंथर और फिलामेंट मिला करके जो स्ट्रक्चर हुआ इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका होता है एक पर्टिकुलर फ्लावर का और जितने भी स्टेमन होंगे अब एक को तो हमने स्टेमन बोल दिया यहां पे हमने छह बनाए हैं छह के छह स्टेमन को मिला करके हम लोग क्या बोलेंगे फीमेल के केस में गाइनोशियम बोल रहे थे मेल के केस में एंड्रोशियम बोल देंगे एंड्रो इज अ वर्ड रिलेटेड टू मेल एंड्रोशियम हम लोग बोल देंगे तो यहां पर आपके चार होल्स आपको देखने को मिले यानी चार ऐसी चीजें आपको देखने को मिली जो कि फ्लावर के अंदर प्रेजेंट रहती है सबसे बाहर वाली आपने अगर एक फूल को तब देखा है या फूल नहीं बोलेंगे आपने कली को तब देखा है जब वो बहुत छोटी थी तो आपको सिर्फ हरा पार्ट दिखाई देता है यानी पत्ते सबसे बाहर है उसके बाद उसके अंदर से फूल निकलता है यानी कलरफुल पंखुड़िया अंदर की साइड है बाहर की साइड हरे हरे पत्ते हैं ये बात क्लियर है बाहर की साइड हरे हरे पत्ते हैं यानी सबसे बाहर कौन मिलेगा आपको सेपल्स यानी कैलिक्स मिलेंगे आउटर मोस्ट होल्ड क्या इसे कह सकते हैं बिल्कुल कह सकते हैं सेकंड क्या मिलेगा आपको इसके अंदर कलरफुल पंखुड़ियां मिलेंगी पेटल्स यानी कोरोला मिलेंगे क्या ये सेकंड है यस उसके बाद यहां पर आपको बाहर की साइड क्या देखने को मिल रहा है स्टेमिन देखने को मिल रहे हैं क्या तीसरे नंबर पे है बिल्कुल है और सबसे सेंटर पे सबसे अंदर की साइड आपको क्या देखने को मिल रहा है फीमेल पार्ट देखने को मिल रहा है पिस्टिल या कार्पल देखने को मिल रही है क्या चौथा पार्ट हो जाएगा यस हो जाएगा वेन वी गो फ्रॉम आउटसाइड टू इन साइड द सिक्वेंस इज कैलिक्सला एंड्रोशियम गायनोशियम और जब हम किसी भी पर्टिकुलर फ्लावर का फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं तो उस टाइम पर भी हम याद रखते हैं कि हम K, C, के सी एजी के सीक्वेंस में ही अपना फ्लोरल फॉर्मूला लिखें के का मतलब आपका कैलिक्स सी का मतलब कोरोला एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम क्योंकि आउटसाइड टू तो इनसाइड एक पर्टिकुलर सिक्वेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनमें से अगर हम देखें तो दो होल्स रिप्रोडक्शन के काम आते हैं यानी एंड्रोशम और गाइनोशम जो है ये तो रिप्रोडक्शन के काम आते हैं अगर ये मेरे दोस्त रिप्रोडक्शन के काम आते हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे रिप्रोडक्टिव होल बोल देंगे होल मतलब पार्ट तो ये दोनों जो हैं, थ्री एंड फोर जो हैं, क्या ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं बिल्कुल है तो यहां पर इनको मेंशन कर देते हैं ऐसे कि थ्री एंड फोर जो है थ्री एंड फोर जो है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं और अगर ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, तो इनको क्या हम एसेंशियल बोलेंगे भैया इनके बिना तो काम नहीं चलेगा एसेंशियल होल्स है ये और वन और टू को अगर आप देखोगे तो इतने जरूरी नहीं है जरूरी तो यार अब दुनिया में हर कुछ ही है सबकी अपनी अपनी महिमा है लेकिन रिप्रोडक्टिव के कंपैरिजन में उतने जरूरी नहीं है सो आर कॉल्ड एज नॉन एसेंशियल होल्स या एक्सेसरी होल्स एक्सेसरी होल्स या आप इसे नॉन रिप्रोडक्टिव होल्स भी बोल सकते हो आपकी अपनी मर्जी है उसमें कोई भी टेंशन नहीं है राइट right? तो एक फ्लावर जो है ये बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परपज क्योंकि फ्लावर जो है इसी की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाता है क्योंकि इसी के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद है अगर फ्लावर नहीं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं राइट right? पार्ट्स जो हैं वो हमने देख लिया कि यहां पर चार पार्ट्स हैं आपके कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम गाइनोशियम सिंपल भाषा में बोलो तो पत्तियां पंखुड़िया एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम यहां पर हो जाएगा एक पर्टिकुलर फ्लावर जो यहां पर मैंने बनाया है दिस फ्लावर इज बायसेक् क्योंकि इसमें दोनों के दोनों सेक्सेज मौजूद हैं सो इट बिकम्स अ बाय सेक्शुअल फ्लावर एंड इट कुड बी यूनिसेक्सुअल ऑल्सो इट कुड बी यूनिसेक्सुअल ऑल्सो हाउ इफ इट इज कंटेनिंग द मेल सेक्स पार्ट ओनली और इट इज कंटेनिंग द फीमेल पार्ट ओनली इट विल बिकम अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर ठीक है तो एक फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है बाइसेक्सुअल भी हो सकता है इन्हें हम मोनोशियस और डायोशियस कह सकते हैं आपको पता है क्यों मोनोशियस मतलब एक ही बॉडी में दोनों सेक्सिस मतलब मोनोशियस का मतलब बाइसेक्शुअल हो गया और डायोशियस का मतलब दो अलग अलग बॉडीज लगेंगी यानी एक मेल एक फीमेल तो वो यूनिसेक्सुअल कंडीशन को डिपेक्ट करेगा यह हम रिप्रोडक्शन यूनिट के अंदर पढ़ चुके हैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ी डिटेल में एनसीआरटी को समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है ठीक है पर पहले आपको एक और चीज बताता हूं कि यहां पर ये जो छोटी छोटी लीफ लाइक -like आपको कभी देखने को मिलती है यह क्या होती है इफ दी स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर फ्लावर देन द फ्लावर इज कॉल्ड एज ब्रैक्टिएट अगर ये ब्रैक्ट प्रेजेंट है ये भी हो सकते हैं बहुत असेंशियल नहीं है किन का होना एकदम जरूरी है, है ना सो इफ द ब्रैक्ट इज प्रेजेंट फ ब्रैक्ट जो कि एक स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है स्मॉल लीफी ग्रीन स्ट्रक्चर है अगर ये आपके प्रेजेंट है तो आपका क्या हो जाएगा ब्रेक्टीएट कंडीशन हो जाएगी एंड ई बी आर मतलब ई e का मतलब है एबसेंट तो यहां पर क्या हो जाएगा ब्रैक्ट एबसेंट तो या तो आप कुछ मत लिखो फ्लावर के साइड में उसका मतलब भी ई e ब्रेक्टीएट होता है लेकिन अगर आप लिख देते हो ईबीआर तो एकदम ही कंफर्म हो जाता है है ना कई बार इंसान कॉमन सेंस नहीं लगाता उसे लगता है कि सामने वाला ब्रैक्ट लिखना भूल गया है शायद यह ब्रैक्टीट था राइट दिस इज द केस लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है ओके okay? यहां पर हमें ईबीआर लिख के मैंशन कर देना पड़ेगा कि भाई ब्रैक्ट आपका एबसेंट है दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल ठीक है अब सिमेट्री अगर आप देखो एक फ्लावर की जैसे एनिमल के अंदर हम लोग सिमेट्री देख चुके हैं कितने टाइप की थी रेडियल बायोलिट्रल ए एसिमेट्रिक ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं यहां पर भी फ्लावर के अंदर आपको सिमेट्री देखने को मिलती है तो अगर आप सिमेट्री देखो तो सिमेट्री कुड़ बी एक्टिनोमॉर्फिक द सिमेट्री कुड़ बी जाइगोमॉर्फिक और आपका ए सिमेट्रिक कंडीशन तो फिर मौजूद है ही आपकी ए सिमेट्रिक कंडीशन तो मौजूद है ही तो एक्टिनोमॉर्फिक और जाइोमॉर्फिक क्या होता है ये हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा है ना क्योंकि ये चीजें हमने पहली बार सुनी है एनिमल के अंदर हमने रेडियल तो सुन लिया लेकिन एक्टिनोमॉर्फिक नहीं सुना एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब है रेडियल सिमेट्री सिंपल सी बात है तो रेडियल की आपको जो डेफिनेशन पता है वो एकदम सत्य है जाइगोमोर्फिक का मतलब बायोलेट्रल सिमेट्री इसकी भी डेफिनेशन आपको जो पता है वो सत्य है और एसिमेट्रिक का मतलब उसमें कोई सिमेट्री नहीं है इसका भी आपको जो पता है वो सच है ठीक है रेडियल सिमेट्री क्या थी रेडियल सिमेट्री मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जिसके सेंटर पे से आप कोई भी एक्सिस पास कर दोगे तो इस स्ट्रक्चर के दो टुकड़े हो जाएंगे मोर देन वन एक्सिस इसको दो टुकड़ों में काट सकती है ये वाली एक्सिस दो टुकड़े हो गए लेफ्ट एंड राइट ये वाली एक्सिस अपर लोअर दो टुकड़े हो गए डायगनली दो टुकड़े हो गए डायगनली दो टुकड़े हो गए एंड सोन आप मल्टीपल एक्सिस लगा सकते हो जैसे मैंने फर्स्ट एक्सिस लगाई ये वाली फिर मैंने सेकंड एक्सिस लगाई ये वाली फिर मैंने थर्ड एक्सिस लगाई ये वाली फिर मैंने फोर्थ एक्सिस लगाई ये वाली हर एक्सिस से इस पर्टिकुलर फ्लावर के दो बराबर टुकड़े हो गए दैट इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल नेचर ऑफ अ फ्लावर बायोलेट्री सिमेट्रिकल मतलब सिमेट्रिकल मतलब एक ही ऐसी एक्सिस है जिसपे दो इक्वल बायफर्केशन आपको देखने को मिलेंगे अब इस हिसाब का है ऑर्गेनिज्म किसको आप किसी और तरीके से काटोगे ऐसे काटोगे तो बराबर टुकड़ा नहीं होगा सिर्फ ये एक एक्सिस है इकलौती आपकी एक्सिस है जिससे आप इसे बराबर टुकड़ों में काट सकते हो सिर्फ एक एक्सिस है और ए सिमेट्रिक का मतलब इसको आप काट ही नहीं सकते मतलब काट तो सकते हो ऑब्वियसली पर बराबर टुकड़ों में नहीं काट सकते ये कुछ नहीं अब इस ऑर्गेनिज्म को आप बराबर टुकड़ों में नहीं काट सकते कोई एक्सिस ऐसी नहीं है जिससे आप इसको काट सको तो ए सीमेट्रिक हो गया अब रेडियल सिमेट्री में अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहो तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे मस्टर्ड दतूरा एंड चिली मस्टर्ड दतूरा चिली जाइगोमोर्फिक में क्या हो जाएगा इसका सिंपल सा मैं आपको बताता हूं ट्रिक पीजी कॉलेज बंद पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेजेस में आप जाओगे बड़े होके अगर यू you नो know, आप उतना पढ़ते हो तो जाहिर सी बात है काफी लोग ग्रेजुएशन के बाद ड्रॉप कर देते हैं बट अगर आप उतना पढ़ते हो तो पीजी कॉलेज जो है उसमें आप जाओगे पीजी कॉलेज बंद मतलब पी जी कॉलेज बंद पी फॉर पीट सेल्फ जी फॉर गुलमोहर इस बार क्वेश्चन भी आया था इसमें 2022 की बात है बी फॉर बीन बी फॉर केसिया पी गुलमोहर बीन केसिया पी गुलमोहर बीन केसिया के हैं जाएगोम्पल के एक्टिनोम्पल ये थे थेगोम के एग्जाम्पल ये हैं और अगर एक इंसान की एक ही आंख है मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा है ना मैं जस्ट आपको याद करने की एक ट्रिक बता रहा हूं अगर एक इंसान है उसकी एक ही आंख है तो एक साइड में तो आपकी आंख है एक साइड में नहीं है तो आप उसे सिमेट्री में नहीं डिवाइड कर पाओगे तो ए हो गया इंसान भाई बराबर दो टुकड़े नहीं हो पाएंगे क्योंकि एक साइड में इंसान की आंख है एक साइड में नहीं है तो अनइक्वल हो गया तो काना जो इंसान है काना बोलते हैं हिंदी में है ना जिसकी एक आंख होती है तो उनसे हम रेफरेंस लेंगे है ना तो अगर एक इंसान है अगर ये इसकी एक आंख है एक आंख नहीं है तो ए हो गया ए का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा काना ना याद करने की जरूरत ही नहीं बात खत्म ये आपकी सिमेट्री है एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक एंड एसिमेट्रिकल एग्जांपल्स आप लोगों के सामने हैं प्लीज इसे एक बार याद कर लीजिएगा अब जो फ्लावर है इनमें जो फ्लोरल होल्स हैं ये जो चीजें थी जैसे मैंने यहां पर तीन और तीन छ बनाए आपके एंड्रोशियम तो ये जो फ्लावर है ये कैसा हो गया ट्राइमॉर्फिक हो गया ट्राईमॉर्फिक मतलब तीन के मल्टीपल्स में यहां चीजें आ रही हैं सिमिलरलीट कुड भी टेट्राम इट कुड भी सॉरी टेट्रामेरिक इट कुड भी पेंटामेरिक तो ट्राइमेरिक टेट्रामेरिक पेंटामेरिक मॉर्फिक यूज कर दिया हो तो उसको एक बार काट दीजिएगा ट्राइमेरिक टेट्रामेरिक पेंटामेरिक फ्लावर्स आपके हो सकते हैं अगर फ्लोरल होल्स की संख्या अगर फ्लोरल होल्स की संख्या आपकी तीन है छह है नौ है इट्स अ ट्राइमेरिक फ्लावर यूजली मोनोकॉट में देखने को मिलता है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मोनोकॉट वर्सेस डायकॉट में चार जो है चार है आठ है बारह है है ना इट्स टेट्रामेरिक एंड पेंटामेरिक मतलब पांच है दस है पंद्रह है इट इज पेंटामेरिक है ना इस मल्टीपल में आपको होल्स देखने को मिलने चाहिए तो ऐसे भी आपके फ्लावर्स होते हैं अब हम बात करेंगे अबाउट द पोजिशन ऑफ ओवरी विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट ऑफ द फ्लोरल पार्ट यानी एक ओवरी जो है ये जो स्ट्रक्चर है आपका इस स्ट्रक्चर की पोजीशन और बाकी ये जो चीजें हैं इनकी पोजीशन में क्या फर्क है क्या ओवरी ऊपर है क्या ओवरी नीचे है क्या ओवरी सेम लेवल पे है इस बेसिस पे हम लोग हर फ्लावर को तीन अलग अलग क्राइटेरिया से डिवाइड कर सकते हैं है ना तीन अलग अलग क्राइटेरिया से डिवाइड कर सकते हैं अब हम देखते हैं यहां पर ओवरी की पोजिशन ठीक है यहां पर यह आपकी ओवरी की पोजिशन है सिग्मा स्टाइल ओवरी ये ओवरी बनाई मैंने इसके नीचे क्या है आपका थैलेमस रीजन है इसके नीचे आपका थैलेमस रीजन है इस थेमस पे अगर आप गौर से देखो इस थेमस पे अगर आप गौर से देखो तो नीचे से यू नो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट द थिंग्स आर अराइजिंग इस पॉइंट से आपका एंड्रोशन निकला इस पॉइंट से आपका पेटल निकला इस पॉइंट से आपका सेपल निकला यानी ओवरी की पोजीशन के नीचे जो पोजीशन है इससे बाकी पार्ट्स निकल रहे हैं यानी ओवरी आपकी ऊपर है बाकी पार्ट्स आपके नीचे हैं तो क्या आप कह सकते हो कि यहां पर आपका ओवरी सुपीरियर है क्या आप कह सकते हो कि यहां पे ओवरी सुपीरियर है बिल्कुल कह सकते हो अगर ओवरी सुपीरियर है तो क्या बाकी सारे फ्लोरल पार्ट्स ओवरी से नीचे हैं? बिल्कुल तो ओवरी सुपीरियर है बाकी सारे पार्ट ओवरी के नीचे हैं हाइपो यानी नीचे हाइपो यानी कम गाइनस किसके नीचे गाइनोशियम गाइनोशियम के नीचे हाइपोगाइनस मतलब आपकी बाकी सारी जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो ओवरी के नीचे हैं तो जब आप यहां पे ओवरी लिखोगे यानी जब आप गाइनोशियम लिखोगे तो आप बताओगे कि ये सुपीरियर है बाकी सारे पार्ट्स इसके नीचे हैं तो जब हम एक हाइपोगाइनस फ्लावर का जिक्र करते हैं तो जी के नीचे डंडा लगता है जी के नीचे एक डैश लगता है जिससे आपको पता लगता है कि भाई जी जो है यानी ओवरी जो है गाइनोशियम जो है सबसे ऊपर है और डंडा मतलब बाकी सारे पार्ट उस डंडे से अराइज होंगे यानी बाकी सारे पार्ट नीचे है सेकेंड केस में देखो सेकेंड केस में देखो यार यहां पर आपका ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ये हो गया अब जो आपका थेलेमस है यू you नो know, यहां देखो यार ये आपका ऊपर की साइड ग्रो कर रहा है निकल रहा है सेम ही पॉइंट से लेकिन ऊपर की साइड ग्रो कर गया और इस पॉइंट से अब सारी चीजें निकल रही हैं यानी रिम रिम ऑफ ऑफ से अब यहां पर भी ये थोड़ा ऊपर ग्रो कर गया एंड से सारी चीजें निकल रही हैं तो यहां पर ओवरी भी लगभग सेम पॉइंट से निकल रही है भाई ओवरी भी यहां से निकली सेम पॉइंट से और ये यह ही तो ग्रो किया है तो आपका ये भी लगभग सेम पॉइंट से ही निकल रहा था बस तो तो ये थोड़ा तो तो ऊपर चला गया है इसकी रिम से आप रिम नोट कर लेना आपकी इसकी रिम से अगर सारी चीजें निकल रही हैं इसकी से सारी चीज निकल रही है then it is half inferior. क्या होगा बी और सी केस में अगर आप देखोगे तो ओवरी सुपीरियर ना होकर के क्या हो जाएगी हाफ इंफीरियर हो जाएगी हाफ इंफीरियर हो जाएगी तो इसे क्या बोलते हैं पेरी Peri का मतलब क्या होता है पेरी का मतलब होता है फेरी यानी चारोर तो यह क्या हुआ ये आपका पार्ट ग्रो किया और चारों ओर से आपकी चीजें रिम से जो है अराइज हो रही हैं देन इट इज कॉल्ड एज पेरीगनस ठीक है, है? एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके प्लम पीच रोज यही पूछा जाता है और जी के साइड में डंडा लग जाएगा यानी लगभग सेम पोजीशन पे से आपकी चीजें अराइज हो रही होंगी तो सेम पोजिशन का चक्कर आपको यहां पर देखने को मिलेगा सेम पोजिशन ऑल सेम पोजिशन आपको देखने को मिलेगी अब अगर आप देखोगे मेरे दोस्त डी केस में तो डी केस में क्या हुआ यहां पर आपकी स्टिग्मा स्टाइल और नीचे है ओवरी ये वाली और सारे पार्ट्स ऊपर आ गए ये जो वाला रीजन है ऊपर आके फ्यूज हो गया और यहां से अपर लेवल से सारे पार्ट हो रहे हैं बहुत अपर लेवल से तो आपकी ओवरी का लेवल क्या हुआ आपकी ओवरी का लेवल लेट से हुआ ये दूसरा कलर लेना पड़ेगा आपकी ओवरी का लेवल लेट से हुआ ये और आपके बाकी पार्ट का लेवल हुआ ये तो बाकी पार्ट सुपीरियर है तो ओवरी कैसी हो गई इन्फीरियर तो इसको आप क्या बोलोगे इंफीरियर ओवरी बोल दोगे बिल्कुल बोल दोगे इन्फीरियर ओवरी बोल दिया इंफीरियर ओवरी बोल दिया ठीक है तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग एपी गाइनस एपी मतलब ऊपर किसके ऊपर गाइनस यानी गाइनोशियम के ऊपर सारे पार्ट्स गाइनोशियम के ऊपर हैं तो सारे पार्ट्स गाइनोशियम के ऊपर हैं डंडा ऊपर लग जाएगा ये आपका है एपी कंडीशन है हाँ आपका हैपीगाइनस कंडीशन अगर ओवरी ऊपर देन इट इज हाइपोगाइनस बाकी सारे पार्टी नीचे नीचे से राइज हो रहे हैं अगर ओवरी मौजूद है और उसके बाद नीचे से जो रीजन आ रहा है उसकी रिम से सारे पार्ट राइज हो रहे हैं एट ऑलमोस्ट सेम लेवल देन इट इज यानी पेरीफेरी चारों ओर से राइज हो रहे हैं लेकिन लेवल लगभग सेम है और अगर बाकी सारे पार्ट बहुत ऊपर से राइज हो रहे हैं फ्यूज हो चुका है सब कुछ एंड बहुत ऊपर से अगर हो रहे हैं जस्ट लाइक इन थर्ड केस इट इज एपिगाइनस कंडीशन जी के ऊपर डंडा लग जाएगा एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यहां पर देखिए हाइपोगाइनस का है ना हाइपोगाइनस यानी आपका यहां पर क्या है ओवरी सुपीरियर है ठीक है जी के नीचे डंडा लग जाएगा ओवरी सुपीरियर है मस्टर्ड यहां पे हो जाएगा आपका चाइना रोज हो जाएगा एंड आपका ब्रिंजल हो जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है पेरीगा इसको अलग से स्टार मार्क करके रखो क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है इसमें है प्लम पीच रोज प्लम पीच रोज आपके हाइपो इसके हाइपोनस के एग्जांपल है Epigynus के क्या हो जाएंगे एपीगाइनस के क्या हो जाएंगे गुआवा हो गया कुकुम्बर हो गया और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर सनफ्लावर में दो तरीके की चीजें पाई जाती हैं रे फ्लोरेट्स एंड डिस्क फ्लोरेट्स तो रे florets जो है ये आपको यहां पर देखने को मिलेंगे ये पूछा जाता है तो यहां पे दो चीजें बस याद रखनी है दोस्त कौन कौन सी यहां पे दो चीजें बढ़िया तरीके से याद रखनी है एक तो पेरीगैनस कंडीशन ठीक है और एक रे फ्लॉरेट्स ऑफ सन है ना थोड़ा सा अजीब हाईलाइट हो गया है दोस्त इसको हटा ही देते हैं ना बाकी सारा मिटाना पड़ेगा यार ये दिक्कत है बहुत मिटा ही देते हैं दोबारा लिख लेंगे एक बस Plum peach rose, के साइड में डंडा पेरी ऑफ का o मिट गया था perigynus का डब्बा मिट गया था ठीक दिस इज अबाउट द ये आपको देखने को मिलता है अब देखो पार्ट्स ऑफ फ्लावर में और पार्ट्स क्या आएंगे है ना और डिटेल में अब एक एक चीज को जानने की कोशिश करेंगे बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्योंकि इसमें प्योर एनसीआर से सवाल आते हैं इसलिए एनसीआर का डायरेक्ट स्नैप डाला गया प्योर एनसीआर टी सवाल आएगा कोई दिक्कत है नहीं आराम से सुनना ठीक है देखो पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर ईच फ्लावर नॉर्मली हैज फोर फ्लोरल होल्स चारों फ्लोरल होल्स के नाम हम लोग जान चुके हैं कैलिक्स जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे के से जिसे हम सेपल भी बोल रहे थे कोरोला जिसको रिप्रेजेंट करेंगे सी से जिसको पेटल भी बोल रहे थे एंड्रोशियम जिसको रिप्रेजेंट करेंगे ए से जो कि सारे से मिलकर बना था और गाइनोशियम जिसको रिप्रेजेंट करेंगे जी से जो सारी पिस्टिल्स कार्पल से मिलकर बनी थी चार फ्लोरल होल्स है सीधी सी बात है अब इनमें से कैलिक्स के बारे में जानो कैलिक्स के बारे में जानो पेन दूसरा लें जिससे कलरफुल लगे स्लाइड है ना कैलिक्स जो है आउटर मोस्ट होल है मैंने आपको बता दिया था अगर आप एक कली को देखोगे एक फ्लावर जब फैल जाता है तब भी आप देख सकते हो कि सबसे नीचे आपका हरा पार्ट देखने को मिलता है तो एक कली जो है एक कली में सबसे ऊपर आपको पत्ती देखने को मिलेगी ना कि पंखुड़ी तो पत्ती जो है वो सबसे आउटर रहती है दैट्स इट इज द प्रोटेक्टिव रीजन तो इसीलिए कैलिक्स जो है ये ग्रीन रीजन जो है ये आपका सबसे बाहर रहता है और ये आपका प्रोटेक्ट करता है एक पर्टिकुलर फ्लावर को इन अ बर्ड स्टेज ठीक है तो यह आउटर मोस्ट होल हो गया और इसके मेंबर को सेपल्स कहा जाता है यह बात हमें पहले से क्लियर है सेपल्स ग्रीन होते हैं है ना लीफ लाइक होते हैं पत्ते जैसे हम इन्हें पत्ता ही बोल रहे हैं और यह प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को इन द बड स्टेज इसीलिए तो बड का रेफरेंस लेकर मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक बड देखोगे तो आपको सबसे पहले क्या दिखाई देगा आपको कैलिक्स ही दिखाई देगा ये जो तो कैलिक्स हैं ये आपके यू you नो know, साथ में चिपके हुए भी हो सकते हैं राइट और ये आपके फ्री भी हो सकते हैं हुए इन द सेंस लेट से आपकी पत्तियां हैं। ये क्या हो गया भाई ओके लेट से आपकी पत्तियां हैं अब ये पत्तियां आपके ऐसे हो सकती हैं तो ये आपका यूनाइटेड पॉइंट है ये यूनाइटेड पॉइंट है ये यूनाइटेड पॉइंट है ये यूनाइटेड पॉइंट है ये यूनाइटेड पॉइंट है मतलब पांच पत्तियां दिख रही हैं वो बंद हो जाएंगी साथ दिख रही हैं पांच पत्तियां लेकिन एक्चुअल में ये आपकी फ्यूज हैं एक साथ और केस यह भी हो सकता है दिस इज वन पत्ती दिस इज टू पत्ती थ्री पत्ती फोर पत्ती फाइव पत्ती पर यह फ्यूज नहीं है यह अब अलग अलग है इनके बीच में देखो गैप है है ना इनके बीच में देखो गैप है है ना तो यह क्या हो गई पॉली हो गई यह क्या हो गई पॉली हो गई सेपल्स इनके प्री हैं यह पॉली हो गई पॉली सिपैलसिपेलस मतलब सेपल आ गया ना नाम में तो गैमो स से मतलब सेपल्स आपके यूनाइटेड हैं पॉली से पैलस मतलब सेपल्स आपके आपके फ्री हैं सेम केस आपको देखने को मिलेगा इन द पैटल ऑल्सो यानी कोरोला जब पढ़ेंगे तो कोरोना में भी यही देखने को मिलेगा पॉली पेटेलस यानी पैटल आपके डिफरेंट है और गैमो पेटेलस मतलब वो भी फ्यूज है है ना तो ये आपको सेकेंड केस भी देखने को मिलेगा अच्छे तरीके से राइट right. अब देखते हैं कोरोला के बारे में कोरोला क्या है कोरोला आपका पेटल से मिलके बना है ये बात हमें पता है पेटल्स आपके ब्राइटली कलर्ड होते हैं क्योंकि ये कलरफुल पंखुड़ियाँ हैं आप जितने अलग अलग कलर के फ्लावर्स देखते हो वो यूजुअली आप पेटल्स ही नोट कर रहे होते हो जैसे आप गेंदे का फूल देखोगे ऑरेंज दिख जाएगा येलो दिख जाएगा रोज आपको रेड दिख जाएगा येलो दिख जाएगा ब्लैक रोज काली मेहंदी लगाते हो है ना कहीं किसी किसी जगह पे ब्लैक रोजेज आर ऑल्सो फाउंड है ना पिंक आपको मिलता है तो वो सारे जो कलर्स हैं दे आर द कलर्स ऑफ पेटल्स बेसिकली है ना और ये कलरफुल क्यों होता है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए जिससे वो पॉलीनेशन करने के लिए आए ठीक है तो कैलिस की तरह कोरोला जो है यह भी आपका गैमो पेटेलस हो सकता है यानी पेटल्स आपके यूनाइटेड हो सकते हैं जैसे अगर मैं रोज की बात करूं या किसी और की अगर बात करूं मैं एक रेड कलर का फ्लावर बना रहा हूं तो लेट से मैंने सारे फ्यूज बना दिया दिस कैन ऑल्सो बी केस और यह पॉली पेटेलस भी हो सकता है यानी ये जो आपकी पंखुड़ियां हैं ये आपकी अलग अलग भी हो सकती है इस तरीके से यह आपकी पॉली पटेलस भी हो सकती है शेप और कलर जो है कोरोला का ये वेरी करता है ग्रेटली इन प्लांट्स आप दो कोई भी फूल उठा के देखो आपको दोनों के पेटल्स अलग मिल जाएंगे गेंदे का उठा लो रोज का उठा लो आपको पता लग जाएगा उनका साइज भी अलग है कलर भी अलग है शेप भी अलग है ठीक है कोरोला जो है ट्यूबुलर भी हो सकती है बेल जैसी भी हो सकती है फनल शेप भी हो सकती है व्हील शेप भी हो सकती है दो फूल उठाओ आपको सारी शेप दिख जाएंगे ठीक है एंड्रोशम गायनोशम कोरोला कैलिक्स पेडिसल जो कि डंडी थी ये हम देख चुके हैं कैलिक्स यानी हरी हरी पत्तियां कोरोला यानी कलरफुल पंखुड़ियां एंड्रोशियम जिसमें आपका एंथर और फिलामेंट आता है गायनोशियम जिसमें आपकी टिग्मा स्टाइल और ओवरी आती है ये सारी चीजें हमको पता है ये सब हम लोग देख चुके हैं कोई टेंशन इसमें नहीं ठीक है ठीके? अब वी नीड तो टू टॉक अबाउट एस्टिवेशन लेकिन इससे पहले इसका डायग्राम दिखाऊंगा एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है वट इज द डेफिनेशन ऑफ एस्टिवेशन वट इज द डेफिनेशन ऑफ एस्टिवेशन द दोजिशनिंग ऑफ वन कैलिक्स एज कंपेयर टू अदर कैलिक्स और द पोजिशनिंग ऑफ वन कोरोला एज कंपेयर टू अदर कोरोला से एक पंखुड़ी है कलरफुल पंखुड़ी ऐसे अटैच है भाई इसके comparison में दूसरी पंखुड़ी क्या इसके साथ साथ ही अटैच है इस प्रकार से पांच अगर है तो या क्या अगर ये पंखुड़ी है तो बाकी दोनों ऐसे अटैच हैं ऊपर नीचे हो रही हैं ओवरलैप हो रही हैं क्या चक्कर है इनका पैटर्न क्या है इस पैटर्न को हम लोग एस्टिवेशन बोलते हैं तो ये पैटर्न हम लोग यहां पर देखेंगे है ना सबसे पहला पैटर्न एकदम सिंपल पैटर्न है कि सारी चीजें आपकी एक साथ लगी हुई हैं एक पर्टिकुलर गोलाई में अटैच है ना ये आपका नंबर वन है इसके जस्ट बाद जस्ट इसको टच करते हैं नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर नंबर फाइव कोई भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ रहा है दिस इज कॉल्ड एज वाल्वेट एस्टिवेशन दिस इज कॉल्ड एज वाल्वेट एस्टिवेशन ठीक है दिस इज कॉल्ड एज वाल्वेट एस्टिवेशन इसको अब थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे यानी देखो यह एक पर्टिकुलर पंखुड़ी है, यहाँ पर, है, है, है। तो उपर, यहां पर इसका एक पार्ट ऊपर है एक पार्ट नीचे देखो यह किसी के ऊपर चढ़ा हुआ है और इसके ऊपर कोई और चढ़ा हुआ है तो एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे एक पार्ट डोमिनेंट एक पार्ट रिसेसिव यहां पर इसका एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे एक डोमिनेंट एक रिसेसिव इसका एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे एक डोमिनेंट एक रिसेसिव इसका एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे डोमिनेंट रिसेसिव इसका एक एक पार्ट पार्ट ऊपर नीचे डोमिनेंट रिसेसिव क्या ये ट्विस्ट हो चुका है यस yes. तो इसका नाम क्या हो जाएगा ट्विस्टेड क्योंकि रेगुलरली ट्विस्टेड है अगर पांच आपके यहां पेटल हैं या पांच सेपल हैं तो पांचों के पांचों का एक पार्ट डोमिनेंट है एक पार्ट रिसेसिव तो एक रेगुलरिटी है इसमें एक पैटर्न है पर अगले वाले में कोई पैटर्न नहीं है अगले वाले में देखो यार इसके दोनों के दोनों रिसेसिव हैं वाइस के दोनों के दोनों नीचे किसी से दबे हुए हैं रिसेसिव हैं ठीक है तो ये डिफरेंट हो गया इसका एक ऊपर है एक नीचे ये डिफरेंट हो गया इसका एक ऊपर है एक नीचे ये डिफरेंट हो गया इसका एक ऊपर है दूसरा भी ऊपर है ये डिफरेंट हो गया इसका एक नीचे है एक ऊपर ये डिफरेंट हो गया यानी इरेगुलर है एक के दोनों नीचे हैं, एक के दोनों ऊपर हैं, एक में एक ऊपर एक नीचे दर इज नो पैटर्न है ना इसे हम क्या बोलते हैं इम्ब्रिकेट इम्ब्रिकेट और सबसे इंपॉर्टेंट जहां से सवाल पूछा जाता है वो है आपका वैक्सीलरी ओके okay. All right. वो है आपका वेक्सिल वो है आपका वेक्ट ये सबसे ऊपर जो आपका रहता है यह है स्टैंडर्ड इसके साइड में जो रहती है ये है दो विंग्स और सबसे नीचे वाली जो है सिर्फ ये फ्यूज है बाकी सारी फ्यूज नहीं है इसे कहते हैं कील तो सबसे बड़ा है ये वन इसके बाद दो है, ये बीच के है, इसे कहते है टू और ये सबसे नीचे के दो हैं ये भी टू हैं लेकिन ये दोनों फ्यूज हैं तो इनके बगल में ब्रैकेट लग जाता है अरेंजमेंट इसे कहा जाता है यह वैक्सिलरी वैक्सिलरी सबसे बड़े वाले को क्या बोला स्टैंडर्ड या yeah, है उसे और इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं, है। देख लेते हैं है तब जाके बात समझ में आ जाएगी अब देखो एस्टिवेशन क्या है द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कैसे अरेंज है विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम होल्ड यानी एक पेटल है तो बाकी पेटल के साथ उसके अरेंजमेंट क्या है या एक सेपल है तो बाकी सेपल्स के साथ उसके अरेंजमेंट क्या हैल्ड एज एस्टिवेशन तो चार प्रकार की आपको देखने को मिली वाल्वेट ट्विस्टेड इम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी जो मैं आपको दिखा चुका हूं अब जब सेपल और पैटल जस्ट एक दूसरे को टच करें ओवरलैप ना करें विदाउट ओवरलैपिंग जैसे कि इन कैलोट्रोपिस इट इज वालवेट देखो एक बार यहां पर क्या एक दूसरे को कोई ओवरलैप कर रहा है नहीं सिर्फ टच कर रहा है सिर्फ टच कर रहा है एज इन कैलोट्रोपिस यानी किसके अंदर आंकड़े के अंदर है ना एज इन कैलोट्रोपिस आंकड़े के अंदर तो ये क्या हो गया वालवेट अब देखो है ना इफ वन मार्जिन ऑफ अपेंडेज ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एज इन चाइना रोज लेडी फिंगर एंड कॉटन इट इज कॉल्ड एज ट्विस्टेड ट्विस्टेड मतलब एक किसी को ओवरलैप करेगी एक किसी से ओवरलैप होगी यानी एक ऊपर एक नीचे रेगुलर पैटर्न में दैट इज कॉल्ड एज ट्विस्टेड कहां देखने को मिली चाइना रोज लेडी फिंगर और आपका कॉटन लिख लो चाइना रोज ट्रिक्स में दे दूंगा टेंशन मतलब लेडी फिंगर कॉटन ये आपको देखने को मिला ठीक है अब अब देखो इसमें कोई ऑर्डर नहीं है है ना इफ द मार्जिन ऑफ सेपल्स और पेटल ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन कोई ऑर्डर नहीं है जैसे केसिया एंड गुलमोहर तो इम्ब्रिकेट बोलेंगे केसिया गुलमोहर याद आया गुलमोहर बीन केसिया है ना केसिया और गुलमोहर कहां प्रेजेंट थे आपका हमने जाइगोमोर्फिक में भी देखा था है ना सिमेट्रिकल में में या फ्लावर्स केसिया और गुलमोहर हमने देखा था फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट जिसको याद करना जरूरी है दैट इज आपका वैक्सिलरी जिसे पेप्लियोशियस भी कहा जाता है क्योंकि ये फैमिली पेप्लियोनेस की निशानी है ओके इन पी एंड बीन यानी पी और बीन फैमिली के अंदर लार्जेस्ट जो है इसे स्टैंडर्ड कहा गया था साइड में जो लेटरल कहा गया था और सबसे नीचे जो थे एंटीरियर पोजिशन पर इन्हें कील कहा गया था दिस इज कॉल्ड एज पेपलियोशियस अरेंजमेंट तो लार्जेस्ट था इसे हमने क्या कहा था स्टैंडर्ड या इसे वेक्सिलम भी कहा जाता है क्योंकि वैक्सिलरी है इसका नाम एस्टिवेशन का ये आपकी विंग्स हो गई एंड सबसे नीचे हो गई आपकी कील जो कि की फ्यूज्ड है एल है सबसे नीचे क्या हो गया आपकी कील जो कि की फ्यूज है यह आपका हो जाएगा वैक्सिलरी जिसे पेप्लियोशियस भी बोला क्योंकि ये फैमिली की निशानी है राइट चलो अब आगे और देखते हैं एंड्रोशम के बारे में बात कर लेते हैं लेकिन उससे पहले थोड़ा देखते हैं इसका कोई डायग्राम अवेलेबल है कि नहीं नहीं चलो तो एंड्रोशम के बारे में बात करते हैं यार यहां पे आपको ज्यादातर चीजें पहले से पता होंगी तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ याद करने की जरूरत है एक आधा कुछ याद करना पड़ेगा लेट यू नो है ना अब देखो एंड्रोशम जो है इट इज कंपोज ऑफ स्टेमन भाई एक फ्लावर में जितने भी स्टेमन है वो मिलकर के एंड्रोशन बनाएंगे ये बात हमें पता है पहले से क्लियर है आज ही मैंने आपको पढ़ाई है ईच स्टेमन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ अस्टॉक और अ फिलामेंट एक इसमें फिलामेंट रहेगा और उसके ऊपर एक एंथर लगा रहेगा तो यूजली एंथर आपका बायलोब्ड रहता है यानी आपका दो ऐसे लोब देखने को मिलेंगे दिस इज एंथर एंड ये आपका फिलामेंट रहेगा ये आपका एक स्टेमिन का टिपिकल स्ट्रक्चर हो जाएगा ईच एंथर इज यूजली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको बहुत डिटेल में पढ़ा चुके हैं पूरी रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो चुके हैं तो एंड्रोशियम गायनोशियम का यू हैव एन आइडिया ठीक है ईच लोब हैज टू चैंबर्स जिन्हें पोल सेक कहा जाता है तो अब देखो यहां पर क्या हुआ यहां पर आपका एंथर जो था इसको मैंने ऐसे बनाया है अगर आपने गौर फरमाया हो तो ऐसे बनाए गए है ना देखो यहां पर भी कर्व दिया था तो ये जो है ये एंथर के दो लोब है तो एंथर कैसा हो गया बायलोब्ड हो गया और हर लोब के अंदर भी हर लोब के अंदर भी मेरे भाई आपका दो दो कंपार्टमेंट है तो टोटल तो पॉलन सेक्स कितने हो गए चार पॉलन सैक हो गए पॉलन सैक चार हो गए चार आपके हो गए डन यही बात यहां पर कही गई है हालांकि मैं पढ़ा चुका हूं बट स्टिल रिपीट करने में कोई भी हर्ज नहीं है पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पॉलन सैक सिंपल सी बात है इसमें पॉलन बनेंगे और जैसे ही ये आपका एंथर फटेगा ये पॉलन बाहर की साइड निकल जाएंगे और आपके डिस्पर्स हो जाएंगे अस्टेराइल स्टेमिन इज कॉल्ड ए स्टेमिनोड ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है स्टेमिनोड मतलब जिसका स्टेमिन है यानी जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता उसे स्टेमिनोड बोल देंगे ठीक है स्टेमन ऑफ फ्लावर में भी यूनाइटेड सारे स्टेम एक साथ जुड़े हो सकते हैं ओके okay? और कुछ और मेंबर्स के साथ भी जुड़े हो सकते हैं जैसे कि पेटल्स या अमंग खुद भी एक दूसरे के साथ जुड़े हो सकते हैं पेटल के साथ भी जुड़े हो सकते हैं व्हेन स्टेम आर अटैच टू पेटल्स तो इस कंडीशन को एपी पेटेलस बोलेंगे पेटल वर्ड आ गया बीच में एपी पैटेलस ऐसी कंडीशन जहां पर स्टेमन पेटल के साथ जुड़ा है दैट इज एपी पेटेलस जैसे कि ब्रिंजल के अंदर ये साथ साथ याद करते रहेंगे हम लोग जैसे कि ब्रिंजल के अंदर यार एक तो ये हाइलाइटर बड़ा खराब है।, है ना क्या कर सकते हैं इसको किसी और कलर से करके देखें ट्राई करते हैं भाई मिट जाएगा आई थिंक या ब्रिंजल थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है बट इट्स फाइन है ना तो ब्रिंजल हो जाएगा आपका एंड दूसरी जो कंडीशन है मेरे दोस्त दूसरी जो कंडीशन है एक बात याद रखना हिसाब से आपके नीट के सिलेबस के हिसाब से आगे बढ़ोगे जिंदगी में तो दिक्कत आ जाएगी इस एनोलॉजी में पेरियंथ का मतलब लिली की बात हो रही है सिंपल सी बात है आपके सिलेबस में और कहीं पेरियंथ नहीं है पेरियंथ का मतलब क्या है जहां पर आपके सेपल्स और पेटल्स

दस इन फ्लावर में रिमेन फ्री सारे स्टेम फ्री रह सकते हैं इंडिविजुअल अगर दस है तो दस के दस फ्री तो पॉली कंडीशन पॉली मतलब बहुत सारे एंड्रस मतलब मेल तो मेल जो पार्ट है बहुत सारे हैं पॉली है फ्री है तो एक एक गिना जाएगा तो समझ लो दस स्टेम तो दस गिने जाएंगे पॉली एंड्रस ये आपके यूनाइटेड भी हो सकते हैं जैसे एक ही बंच में पाए जाए इन सबको एक ही बंच में फिक्स कर दिया तो इन्हें बोलेंगे मोनो अडल्फस अडल्फस का मतलब बंडल तो एक बंडल में इन्हें फिक्स कर दिया तो मोनो अडल्फस जैसे चाइना रोज के अंदर है ना ये इंपॉर्टेंट है जैसे चाइना रोज के अंदर है ना ट्रिक्स में दे दूंगा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है या दो बंडल के अंदर फिक्स कर दिया तो डाय अडल्फस हो जाएगा डायडल्फस जैसा कि पी के अंदर है ना जैसा कि पी के अंदर आपका डाय अडल्फस कंडीशन हो जाएगी जैसा पी के अंदर और अगर आप थर्ड देखोगे दैट इज इन टू मोर देन टू बंडल्स इसे पॉली एडल्फर्स कहा जाता है कि मोर देन टू बंडल्स हैं जैसे सिट्रस के अंदर ठीक है ये पूछा जाता है सिट्रस ही पूछा जाता है यूजुअली या तो पूछेगा पी या सिट्रस पूछेगा ठीक है सालविया और मस्टर्ड में अगर आप देखेंगे तो सालविया और मस्टर्ड के अंदर अलग अलग जो आपके स्टेम हैं उनका साइज डिफरेंट होगा यानी एक ही फ्लावर के अंदर भी डिफरेंट टाइप के स्टेमन आपके मिल सकते हैं किसी का साइज ज्यादा है किसी का साइज कम है तो अगर एक स्टेमन फ्यूज है आपका पेटल के साथ एपीपेट फ्यूज है के साथ एपिफाइलस। अगर वो फ्री हैं सारे तो आपका क्या कहेंगे उसे पॉली एंड्रस कंडीशन कहेंगे ठीक है अगर वो फ्यूज है सारे फ्री नहीं है फ्यूज हैं तो कितने बंडल में फ्यूज हैं एक बंडल मोनोडल्फस जैसे कि आपका चाइना रोज दो बंडल डायडल्फस तीन बंडल या ज्यादा बंडल दो से ज्यादा बंडल पॉलियडल्फस जैसे सिट्रस ये आपकी कहानी है आपके एंड्रोशियम की नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट वेयर वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द गायनोशियम इन डिटेल अब जैसा मेल में पढ़ा वैसे गायनोशियम में पढ़ेंगे कि गायनोशियम जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है सारी पिस्टल्स मिलकर गायनोशियम बनाती है एंड इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन कार्पल या वन कार्पल अगर एक फ्लावर में एक ही कार्पल है एक ही पिस्टल है तो वही आपका गायनोशियम है और तीन चार है पांच छह है दो है कुछ भी है नंबर एक से ज्यादा है तो वो मिलकर आपका गायनोशियम बना लेंगे कार्पल कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट स्टि स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी इसको भी हम लोग देख चुके हैं यहां पर आपका लैंड करता है पॉलन इस लैंडिंग सरफेस को हम बोलते हैं स्टिग्मा एक ट्यूब जो इसे ओवरी तक ले जाती है दैट इज स्टाइल और नीचे बेजल बर्ज पार्ट दैट इज ओवरी स्टिग्मा स्टाइल ओवरी आपका देखने को हमें मिलता है ओवरी जो है एनलॉज बेजल पार्ट है सबसे नीचे बनाया है, 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 है जिसमें आपका एक ओवरी टू द स्टिग्मा ये जो स्टाइल है ये स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करती है एक ही बात घुमा घुमा के लिखी हुई है द स्टिग्मा इज यूजली एट द टिप ऑफ द रिसेप्टिव सरफेस फॉर पॉलन ग्रेन भाई पॉलन ग्रेन यहां आके गिरेगा ना तब ये रिसीव करेगी तब पॉलन ट्यूब आपकी ग्रो होगी और तब आपका एग तक मामला पहुंचेगा सारी बातें वही हैं अब ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल्स टू इट यानी इसके अंदर क्या रहेंगे ओव्यूल्स रहेंगे जो कि एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट होंगे जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर इसे क्या बोले प्लेसेंटा और यहां वन और मोर देन वन ओव्यूल्स पाए जा सकते हैं तो ये ऊपर वाला पार्ट क्या है स्टिग्मा ये क्या है आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल ये नीचे बल्ज पार्ट ओवरी ओवरी के अंदर है ओव्यूल और ओव्यूल बैठे हुए हैं क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर पे जिसका नाम क्या है प्लेसेंटा है ना ये हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी पढ़ चुके हैं तो इसलिए एक बेसिक ओवरव्यू हम यहां पर सिर्फ ले रहे हैं ठीक है तो प्लेसेंटा आपका यहां पर देखने को आपको मिला वेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट जब एक से ज्यादा कार्पल या एक से ज्यादा पिस्टिल प्रेजेंट है तो वो फ्री भी हो सकती है है ना जैसे कि लोटस और रोज के अंदर जैसे कि लोटस और रोज के अंदर या फिर आप अगर देखेंगे एपोकार्पस कंडीशन इसे कहा जाएगा एपोकार्पस मतलब फ्री सिन का मतलब होता है फ्यूज तो सिन कार्पस मतलब अगर एक से ज्यादा आपकी पिस्टल्स हैं तो वो फ्यूज होंगी जैसे कि मस्टर्ड और टोमेटो के अंदर तो ये आपका कौन सा कंडीशन हो जाएगा सिन कार्पस कंडीशन हो जाएगा ये आपका सिनकार्पस कंडीशन हो जाएगा राइट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल जो है डेवलप होकर क्या बनाते हैं सीड और ओवरी आपकी डेवलप होकर क्या बनाती है फ्रूट ये बात भी हमें पता है यानी ये बेसिकली रेपिटेशन है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का कुछ यूनिक नहीं है अगर आपने मेरा वो लेक्चर देखा है देन यू मस्ट बी गोइंग थ्रू दिस इन अ वेल डिफाइंड फॉर्मेट ठीक है अब बात करते हैं प्लेसेंटेशन की लेकिन पहले मैं आपको प्लेसेंटेशन दिखा देता हूं कि होता क्या है प्लेसेंटेशन मतलब अभी मैंने आपको प्लेसेंटा बताया था भाई आपकी जो ओवरी है उसके अंदर प्लेसेंटा प्रेजेंट था सिग्मा स्टाइल ओवरी देखो यहां पे क्या बताया था सिग्मा स्टाइल ओवरी ओवरी के अंदर नीचे प्लेसेंटा प्रेजेंट है और प्लेसेंटा के ऊपर आपके ओव्यूल अरेंज है यानी जो आगे चल के सीड बनेंगे प्लेसेंटा पे सीड की ओरिएंटेशन कैसी है एक ओव्यूल के अंदर एक या ओवरी के अंदर दैट इज बेसिकली द प्लेसेंटेशन प्लेसेंटेशन मतलब प्लेसेंटा के ऊपर सीड किस तरीके से अरेंज होंगे या पहले ओव्यूल किस तरीके से अरेंज प्लेसेंटेशन तो प्लेसेंटा का जिक्र आ गया तो हम लोग इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि इसके ऊपर सीड ही अरेंज होंगे ठीक है तो यहां पर देखो एक मार्जिन है इस मार्जिन के ऊपर आपके सीड अरेंज है तो एक कैसी प्लेसेंटेशन हो गई मार्जिनल प्लेसेंटेशन ठीक है यहां पे आपके सेंटर पे फ्रीली प्रेजेंट है ये फ्री सेंट्रल हो गई यहां पे आपके पेरी इस पे परिफे पे प्रेजेंट है चारों ओर प्रेजेंट है ये 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 क्या हो गई मतलब पेरी -फेरी. ये आपके एक्सिस एक्सिस पे प्रेजेंट है ये तीन आपको देखने को मिल रहे हैं इस पे प्रेजेंट है तो ये हो गई एक्साइल और यहां पर आपका बेस पे प्रेजेंट है तो ये क्या हो गई बेजल इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और फिर इन पे वापस एक बार आते हैं देखो प्लेसेंटेशन मतलब ओव्यूल जो कि आगे चल के सीड बनेंगे ये आपके ओवरी में किस तरीके से अरेंज है या प्लेसेंटा के ऊपर कैसे अरेंज है दैट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन तो यह आपका मार्जिनल भी हो सकती है मार्जिनल मतलब प्लेसेंटेशन ऐसी प्लेसेंटेशन है मार्जिनल जिसमें प्लेसेंटा एक रिज बनाता है यानी एक लंबी सी मार्जिन बनाता है एक डंडी जैसी स्ट्रक्चर बनाता है अलॉन्ग द वेंट्रल सुचर ऑफ द ओवरी एंड ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन दिस रिज फॉर्मिंग टू रोज इन पी आप कभी मटर को खोलेंगे आधे दाने इस तरफ चले जाएंगे आधे दाने इस तरफ चले जाएंगे तो टू इसमें क्या होते हैं रोज होते हैं यह बात हम मटर को खोल के ही देख सकते हैं तो इसका जो वेंट्रल सचर है वहां पर यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप देखोगे एक तरफ से मटर को फाड़ोगे छीलने का रहेगा और दूसरी तरफ जो है सीड लगे रहेंगे अलग डायरेक्शन में हो सकते हैं लेकिन सीड एक रिज पे लगे रहेंगे तो वो वेंट्रल सचर है ठीक है तो वेंट्रल सचर जो है इस पे आपके मार्जिन पे जो है लगे रहेंगे आपके सीड इसे क्या कहा जाता है आपका मार्जिनल प्लेसेंटेशन इसे कहा जाता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन दूसरा देखो दूसरा देखो वेन द प्लेसेंटा इज एक्सियल एक्सिस पे प्रेजेंट है अगर प्लेसेंटा एंड ओव्यूल्स आर अटैच ऑन इट इन अ मल्टीलोक्यूलर ओवरी द प्लेसेंटेशन इज एक्साइल जैसे कि चाइना रोज में टमेटो में लेमन में यार आज एक काम करो एक छोटा सा अपने घर में नींबू होगा नींबू काट के देखो या टमाटर काट के देखो ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा अलग से कंपार्टमेंट बने होंगे तो यहां पे एक्चुअल जो आपका एक्चुअलेशन है एक्चुअल जो आपका कंपार्टमेंटलाइजेशन है वो हो रखा है और यहां पर आपको बीज देखने को मिलेंगे चाहे नींबू में देख लो सेंटर पर आपको बीज देखने को मिलते हैं ये कैसी प्लेसेंटेशन है आपकी एक्साइल प्लेसेंटेशन है तो चाहे टमाटर काटो चाहे नींबू काटो चाइना रोज तो काट के देख नहीं सकते बट टमाटर नींबू से आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्साइल क्या है एक्सेस पे ये प्रेजेंट होंगे ठीक है इन पराइटल पराइटल मतलब पैरीफेरी नाम ही है तो पेरीफेरी पे बाउंड्री पे यहां पर चीजें प्रेजेंट होंगी ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवरी और ऑन द पेरीफेरल पार्ट ओवरी यहां पर वन चैंबर्ड है सारे चारों ओर प्रेजेंट है Due to formation of false septum, ये सवाल पूछा जाता है इस false septum को क्या कहा जाता है Replum कहा जाता है कभी कभी ये false septum arise हो जाता है एग्जाम्पल मस्टर्ड और यानि MA. है ना अपने पेरेंट कौन रहते हैं माँ हमारे पेरेंट रहती है तो पेरेंट parent या पेरेंटल से वर्ड आता है पेराइटल और माँ यानी एम ए मस्टर्ड आर्जिमोन से आपको एग्जाम्पल याद हो जाएंगे यहां पर देखो पेरी फेरी पे हैं.

अपना प्री सेंट्रल सेंटर पे आपका डीपी घूमेगा और बेजल बेजल है ना अब प्रेजेंटेशन में प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ ओवरी सिंगल ओव्यूल इज अटैच दैट इज सनफ्लावर मैरीगोल्ड सिंगल ओव्यूल जो है आपको यहां पर देखने को मिला कोई मल्टीपल आपको ओव्यूल देखने को नहीं मिला बेस पे प्रेजेंट है आराम से मजेदार ये आपका है बेजल प्लेसेंटेशन ठीक है यार ये आपका फ्लावर का यहाँ पर काम खत्म हो गया बड़ा लेक्चर था आई नो बट आई होप कि पैनल पे मजा आया होगा एंड आप झेल गए होंगे इस लेक्चर को है ना नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा गाइज और बस यही बातें थी ये डायग्राम थोड़ा बढ़िया बन गया तो यहाँ से अपनी लेक्चर की हम लोग एंडिंग करेंगे तो इट्स अ वेरी गुड लेक्चर इसको देखना इसको समझना अपने नोट्स बनाना नोट्स नहीं बना पाओगे तो मुझसे मांग लेना मैं आपको नोट्स दे दूंगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और मिलता हूँ अगले सेशन में अगले दो सेशन में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसमें बचा हुआ है आपका फैमिली और आपका आई थिंक सीड एंड फ्रूट बचा हुआ है तो मतलब दो तीन लेक्चर लग जाएंगे इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा लेकिन हम लोग एक अलग से चैप्टर उठाने की मैं सोच रहा हूँ या तो मैं सेल बायोलॉजी उठा लूँ यू नो सेल साइकिल उठा लूँ या फिर बायोमोलिक्यूल्स उठा लूँ या रेस्पिरेशन उठा लूँ फोटोसेंथसिस उठा लूँ या ह्यूमन फिजियोलॉजी का कोई चैप्टर तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू गेट सम ऑफ द चैप्टर जो कि इनसे अलग हों क्योंकि अब पूरा थ्योरी थ्योरी हो के आई आई नो दैट यू आर गेटिंग यू नो अबिट आउट बर्स्टेड क्योंकि ये नहीं है उतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और अल्टीमेटली यहाँ नाम बहुत सारे हैं तो हम इनके ट्रिक्स बनाते जाएंगे साथ साथ एंड uh, साथ साथ हम लोग क्या करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक को भी छेड़ देते हैं जो प्रैक्टिकल हो है ना या तो अगर हम ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी की बात करते हैं तो जेनेटिक्स स्टार्ट कर देंगे या बायोटेक स्टार्ट कर देंगे क्योंकि जेनेटिक्स एंड लिंक्ड तो जेनेटिक्स के बाद मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वो सब पहले नहीं कराऊंगा आई विल जंप इनटू बायोटेक पहले उसके बाद विल गेट बैक टू द दिलेबिया है ना चलो भाई मिलता हूं आपसे अगले सेशन के अंदर तब तक के लिए शुक्रिया बाय बाय टेक केयर लॉट्स ऑफ लव जय हिंद थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग ऐसे वीडियोज को देखते रहिए बाय